हेलो गाइस, आई एम ललित अग्रवाल। वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन कोडिंग चैनल कोड फ्रिक्स, मेड बाय यू, मेड फॉर यू। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीट कोड प्रॉब्लम। आज की लीट कोड की प्रॉब्लम क्या हो रही है? सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुके हो, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे जो एन है ना, इसका लिटरली मतलब है, इसका ये मतलब है कि फर्स्ट लेटर के बाद में एनथ वाला जो लेटर है वो आएगा। ठीक है, ये कभी मत समझना कि आपने हाफ में से जो एरे है उसको डिवाइड कर दिया और फर्स्ट एलिमेंट ले लिया एंड देन हाफ के बाद वाला फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, वो कभी नहीं लेना है। आपको हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के बाद में फर्स्ट एलिमेंट प्लस करके ये वाला जो इंडेक्स है उसका जो एलिमेंट आएगा वो लेना है। ठीक है, okay. अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो, क्वेश्चन यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा था, क्वेश्चन सिर्फ सिंपली इतना बोल रहा था कि एक तो आपने जैसे ले लिया फर्स्ट इंडेक्स, मतलब जीरोथ इंडेक्स ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो जीरोथ इंडेक्स पे आपका कौन सा एलिमेंट आया? बोला टू। ठीक है, तो अब एक काम करो, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना वो होगा जीरोथ इंडेक्स प्लस थर्ड इंडेक्स। वो रिपीट विद मी, जीरोथ इंडेक्स प्लस थर्ड इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स कैसे है? क्योंकि भैया यहाँ पे दिया हुआ था एनिक्वस टू थ्री है। बहुत ही बढ़िया, तो थर्ड इंडेक्स कौन सा है? बोला जीरो वन टू थ्री, बोला ये वाला। तो ठीक है, ये आ गया, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में क्या आएगा? बोला फर्स्ट इंडेक्स, रिपीट विद मी, फर्स्ट इंडेक्स देन फर्स्ट इंडेक्स प्लस थर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो क्या आया? बोला फोर्थ इंडेक्स कौन सा है? बोला जीरो वन टू थ्री फोर, ओके फोर आया। ठीक है, इसके बाद में कौन सा इंडेक्स आया? सेकंड इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? बोला वन, तो यहाँ पे आ गया वन। अब सेकंड इंडेक्स प्लस थ्री यानी कि फिफ्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है? बोला सेवन, तो सेवन आ जाएगा। हाँ, क्या यही अपने आंसर में है? हाँ भैया, लगता है सही कुछ है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोला है, बोला एक्जैक्टली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। एक बार इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं फटाफट, एक मिनट का इंप्लीमेंटेशन है इसका। क्या किया अपने? एक आंसर नाम का एक वेक्टर बनाया। ठीक है, आंसर नाम के वेक्टर में अपन ने क्या किया? फोर का लूप चलाया। फोर का लूप कहाँ तक चलेगा? बोला एन तक चला दिया अपन ने, क्योंकि एन के बाद वाली जो टर्म्स है वो तो अपन वैसे भी रिपीट में ले ही रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने अब आंसर के अंदर पुशबैक क्या किया है? मतलब पुशबैक किया है, सबसे पहले तो फर्स्ट वैल्यू जो भी आ रहा है, जैसे जीरो इंडेक्स है तो जीरो इंडेक्स पुशबैक कर दिया। उसके बाद में अपन ने क्या पुशबैक किया? अपन ने उसके बाद में चेक किया कि पहले तो ये बताओ कि अगर आई प्लस एंथ टर्म अगर अपन लेने जा रहे हैं, इसका मतलब समझो कि जैसे अपन ने जीरो इंडेक्स को पुशबैक कर दिया, फिर अब जीरो प्लस थ्री यानी कि थर्ड इंडेक्स, अब अपन अगर थर्ड इंडेक्स लेने जा रहे हैं तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या थर्ड इंडेक्स एरे में प्रेजेंट भी है या नहीं। तो बोला हाँ, थर्ड इंडेक्स एरे में प्रेजेंट है, एरे की साइज से छोटी है थर्ड इंडेक्स। ठीक है, अगर छोटी है तो आंसर के अंदर थर्ड इंडेक्स भी पुशबैक कर दो नम्स की, कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं। सिमिलरली अपन ऐसे कब तक चलाते रहेंगे? एन टाइम्स तक। ठीक है, ये एन टाइम्स तक, क्योंकि इसके बाद वाली जो वैल्यूज है वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी। समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। और लास्ट में क्या कर देंगे? आंसर को रिटर्न। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।